चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की, जहां स्वास्थ्य चिंतन शिविर का आयोजन किया जा रहा है। सरकार ने राज्य स्तरीय शिविर की तैयारियां जो है वो शुरू कर दी है। जल्द ही शिविर के आयोजन की तिथि भी घोषित की जाएगी। चलिए एक बार फिर रुख करते हैं संवाददाता सोनू सिंह की ओर। सोनू, स्वास्थ्य चिंतन शिविर का जो आयोजन है वो किया जा रहा है, इसके पीछे क्या कुछ लक्ष्य सरकार का देखा जा रहा है? देखिए, उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं कैसे बेहतर हो सकती हैं और किन किन चिकित्सालयों में किन उपकरणों को जो है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर के लोग हों, व्यापारी लोग हों, कारोबारी लोग हों, उनके सहयोग से या सरकार की तरफ से स्थापित किया जा सकता है। पर्वतीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की बेहतरी करना एक पहाड़ जैसी ही चुनौती हम कह सकते हैं। आपको याद होगा कि हाल ही में जब जुलाई माह में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री उत्तराखंड में आए थे, तो उस दौरान एक राष्ट्रीय स्तर का स्वास्थ्य चिंतन शिविर आयोजित किया गया था, जिसमें कई राज्यों के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं और स्वास्थ्य विभाग के सीनियर अधिकारियों ने शिरकत की थी और स्वास्थ्य सेक्टर में कार्य करने वाले विशेषज्ञों ने तमाम पहलुओं पर मंथन किया था। और उसका उस वक्त भी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने सभी राज्यों के बात कही थी कि राज्य स्तर के जो स्वास्थ्य चिंतन शिविर हैं वो आप आयोजित करेंगे, तो सबसे जो है इसमें कवायद की जा रही है और अब जल्द ही इसकी तिथि घोषित कर दी जाएगी। पर्वतीय क्षेत्रों में ये चिंतन स्वास्थ्य शिविर जो है राज्य स्तर पर आयोजित होगा और कैसे पहाड़ की स्वास्थ्य सेवाएं जो है उनको बेहतर किया जा सकता है, इसके लिए एक रोड मैप तैयार किया जाएगा और उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य सेवाओं की बेहतरी के लिए ये स्वास्थ्य शिविर जो है वो आयोजित किया जाएगा और इसी की तैयारियां अब तेज कर दी गई हैं। अब देखना होगा कि आखिर इसकी जो आयोजन की तिथि है वो कब तक घोषित हो पाती है। बिल्कुल, लगातार हम देख रहे हैं कि स्वास्थ्य को लेकर जो सरकार है वो काफी ज्यादा चिंतित है और इसके चलते चिंतन शिविर का आयोजन किया जा रहा है। दूसरा मौका है जब उत्तराखंड में इस शिविर का आयोजन होगा, क्योंकि जुलाई महीने की अगर हम बात करें तो उस दौरान प्रदेश में स्वास्थ्य चिंतन शिविर का आयोजन किया गया था, जहां उस दौरान स्वास्थ्य मंत्री मौजूद हुए थे और इसके साथ ही स्वास्थ्य से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर गहन मंथन किया जाएगा। और अब जल्द ही इसकी तिथि भी घोषित कर दी जाएगी उत्तराखंड में, कि जिस तरह से पर्वतीय इलाकों की अगर हम बात करें स्वास्थ्य को लेकर लगातार जो सुविधाएं हैं वो उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए और इसका खामियाजा कहीं ना कहीं पर्वतीय क्षेत्र के लोगों को उठाना पड़ता है। उसे ध्यान में रखते हुए चिंता जो है सरकार की लगातार इस ओर है और इसी के तहत अब स्वास्थ्य चिंतन शिविर का आयोजन किया जाएगा और सरकार ने राज्य स्तरीय शिविर की तैयारियां भी शुरू कर दी हैं।